राजधानी दिल्ली के बुराड़ी में भी ड्राइवरों ने लगाया जाम। रोड रेस के नए कानून को रद्द करने की उठाई मांग। रोड रेस को लेकर बने नए कानून का विरोध दिल्ली के कई हिस्सों में ड्राइवरों ने किया। बुराड़ी बाईपास पर बुराड़ी की तरफ आने वाली सड़क पर ड्राइवरों ने अपनी मिनी बसें आरटीवी गाड़ियों को तिरछा कर लगा दिया और कई घंटों तक सड़क हो गई जाम। जाम में फंसी सवारियां भी हुई बेहद परेशान। सवारियों को कहना है कि विरोध का दूसरा तरीका अपनाना चाहिए, न कि जाम। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी मेन बाईपास पर आरटीवी चालकों ने आरटीवी सड़क पर लगाकर रोड जाम कर प्रदर्शन किया। आरटीवी चालकों की मांग है कि सड़क हादसों को लेकर जो नए कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को वापस लिया जाए। आपको बता दें, हिट एंड रन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से सड़क हादसे पर नया कानून पास कर दिया है, जिसमें हिट एंड रन के बाद भागने वाले वाहन चालक पर करीब 10 साल की सजा और कई लाख रुपए का प्रावधान है, जिसके बाद अब वाहन चालक पैनिक होते हुए नजर आ रहे हैं और जगह जगह पर सड़क जाम कर हिट एंड रन के नए कानूनों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ये कानून जो लागू पास किया गया है, ये कानून को हटा दिया जाए। ये कानून सख्त खिलाफ है ड्राइवर भाइयों के लिए। जो 7 लाख रुपए 10 साल की सजा बिल्कुल गलत है। जितने भी अगर ड्राइवर आदमी सही से गाड़ी चला रहा है तो कोई बाइक वाला है बेफुल में किसी टक्कर खा के ट्रक के नीचे आया तो वो उसको मार जाए, तो ड्राइवर की गलती थोड़ी ना उसमें। इस चीज़ को देखा जाए बिल्कुल भी बिल्कुल चक्का जाम गया है। इस कानून को हटा दिया जाए बिल्कुल, जो भी लगाया गया ये कानून हटा दिया जाए। ना ही ड्राइवर को इतनी मोटी तनख्वाह मिलती है जो अपने घर से दिया जाएगा पैसा।